जय जगन्नाथ प्रिय सज्जन मंडली आज कहानीटी मुझे आसी पौराणिक जुगर से ही दुई गुरुं कहानी जे कि पौराणिक जुगरे महाभारत जुगरे गुरु द्रोण कहानीटी एवं रामायण जुगर से ही दिगांतकारी महान प्रेरणादायी कुलगुरु वशिष्ठ कहानी उपरे एवं गुरु द्रोण एवं गुरु वशिष्ठ मध्य कौन अंतर रही यार गोटे छोटिया विश्लेषण टी नहीं मुझे सामने प्रस्तुत करी नहीं आसी। प्रिय सज्जन मंडली एवं आसतु जाना प्रथमे गुरु द्रोण परिचय एवं तांकर जीवन शैलीर संपूर्ण परिचय विषय। भरद्वाज मुनि पुत्र गुरु द्रोण महाभारत जुगरे से ही अद्वितीय योद्धा थिले। यह तो आपण मानक समस्त को जना जे से किपरि गुरु परशुराम ठारू संपूर्ण विद्या शिखी यार संपूर्णता पांडव मानक से शिक्षा देथिले एवं कौरव पांडव एमिति अनेक शिष्य तांको पाखरे शिक्षा अर्जन करिथिले। सेथि मध्यरु एकलव्य एक शिष्य थिले जो शिष्य प्रति गुरु द्रोण संपूर्ण अन्याय अत्याचार एवं निर्यातना भली सांघातिक अपराध करिथिले जहाँकि एक गुरु को केबे भी कस्मिन काले शोभा पाई न थाए। जदि गुरु निष्ठुर हो जाती तेबे शिष्य कौन करिपारिबे हुए तो केवल निजको समर्पित करने व्यतीत आउ कौनसी विकल्प न थाए। सेथिपाई तो कहा जाइछि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। से ही महाभारतर एक अद्वितीय योद्धा थिले एकलव्य। बाल्यकालरू तांकर युद्ध पराकाष्ठा देखी स्वयं निजे गुरु द्रोण आचंबित हो जाइथिले। एक माटीर मूर्ति करी गुरु द्रोण नाम से एई माटीर पुतला रे संपूर्ण युद्ध विद्या को शिखिबा पाई आरंभ करि दैथिले एवं जेते बेले गुरु द्रोण समस्त शिष्य माननकु पांडव कौरव माननकु जेते बेले शिक्षा देउथिले सेही समय से शिष्य एवं महान विद्यार्थी थिले। से एकलव्य शिक्षा अर्जन करिवार से विद्यार्थींकर 100% मन ही थिला जहाँकु गुरु द्रोण गुरु शिक्षा तो देले ना छाड़ू से कथा किंतु बिना विद्या शिखाई मध्य से गुरु द्रोण एकलव्यंक ठारू तांकर वृद्ध अंगुलीटी नहीं जाइथिले। यह किभली दक्षिणा थिला प्रिय सज्जन मंडली चिंता करंतु एवं विचार करंतु। आउ एक अद्वितीय योद्धा से महाभारतर महादानी कर्ण जहाँक विषय आपण माने भल भाव जानिथिबे। महाभारत युद्धरे जेतेबेले महादानी कर्ण तांको कथा आमे आलोचना को नौचे तांको भली योद्धा ना ए भारत वर्ष रे थिले ना जन्मिबे भविष्यत रे। ए भली महान पराकाष्ठा पराक्रमी दिव्य कुंडल कवच जहाँकु कहंती से मध्य तांको पिता स्वयं सूर्य भगवान तांकु जन्म कालरु देइथिले जहाँकि तांकर मृत्यु असंभव थिला किंतु तांकर सही उत्तम गुण जहाँकि आज पर्यंत ए भारत वर्ष रे चर्चार विषय हो जाइछि। एवं महाभारतर सही अद्वितीय योद्धा कर्ण जेतेबेले गुरु द्रोणक पाखकु शिक्षा अर्जन करियाकु जाइथिले से समय मध्य से कर्णक प्रति मध्य निष्ठुरता देखाई सीधा सड़क मना करि दैथिले जहा फलरे महादानी कर्ण को भगवान परशुराम पाखक जावाक पड़ा एवं परशुराम पाखरे से विद्या अर्जन करी एक अद्वितीय योद्धा भाव में महाभारत रे तांकर नामटी स्वर्णिम अक्षर रे लिपिबद्ध करी चली जाइछन्ती। किंतु चिंता करंतु जे गुरु द्रोण महाभारत काल रे ए सब जे कांडटी मान कले यह कौन ठीक कले केवल कौरव पांडव मानकु से शिक्षा देवाकु महा महिम भीष्म को प्रतिज्ञा देथिले। एभली प्रतिज्ञा कौन एक जनकल्याणकारी प्रतिज्ञा थिला कि? प्रिय सज्जन मंडली एबे आसंतु जीवा पौराणिक कहानी रो से ही रामायण कालर सूर्यवंशी राजा कूल गुरु वशिष्ठ कहानी उपरकू मोर प्रिय सज्जन मंडली रामायण कालर से ही महान ऋषि दिव्य द्रष्टा एवं सर्वगुण संपन्न महान गुरु कूल गुरु वशिष्ठ जे कि स्वयं सूर्यवंशी राजा मानू गुरु भाव में संपूर्ण विद्या शिखाई देथिले एवं स्वयं भगवान रामचंद्र को से शिक्षा अर्जन करी रामचंद्र को जे मर्यादा शिखाई थिले आज पर्यंत से मर्यादार अनुकरण करी आम भारतर नाम चर्चार विषय रे नहीं जाइछंती। रामायण काल रे हजार हजार शिष्य को मर्यादा देई से संसार रे तांको नाम टिकू विख्यात करी जाइछंती जहाँकू ए समाज ए विश्व एक स्वर्णिम अक्षर रे लिपिबद्ध करी रखी जे कि कूलगुरु वशिष्ठ जहाँक पाई भगवान रामचंद्र कूलगुरु वशिष्ठ कथा को अनुकरण करी तांकर संपूर्ण सेवा करी तांकर उत्तम शिष्य हो जाइथिले एवं समस्त विद्या से संपूर्ण करी जाइथिले एवं समस्त विद्या को से तांको जीवन शैली रे लगाई थिले एवं ए संसार को किभली मर्यादा एवं नीति नियम रे ई पथरे जीवार मार्ग देखाई थिले। प्रिय सज्जन मंडली आपण माननकु भल भाव रे जणा थिबो जे कूलगुरु वशिष्ठ नंदिनी नामक एक गाई तांको पाखरे रखी थिले जहाँकू विश्वरथ नामक राजा तांकू नबा पाई अनेक प्रकार उद्यम करथिले एवं युद्ध करथिले एवं अनेक प्रकार दिव्यास्त्र प्रयोग करथिले। संपूर्ण युद्ध रे हार मानी सारिबा परे सही राजा विश्वरथ परिणाम स्वरूप ना से नंदिनी नामक गाईटी को कूलगुरु वशिष्ठ पाखरु नहीं पारि नथिले। एभली महान दिव्य द्रष्टा पराक्रमी दिव्यास्त्र धारणकारी कूलगुरु वशिष्ठ समस्त शिक्षा तांकर शिष्य माननकु देइथिले जें शिक्षा जें उत्तम शिक्षा आज पर्यंत आमे माने घर मानकरे पालन करि आसुचे। परवर्ती मुहूर्त रे सही विश्वामित्र राजारु ब्रह्मज्ञानी होई जाइथिले। प्रिय सज्जन मंडली एबे आसंतु वशिष्ठंकर सही रामचंद्रंकु पिला बेलरे किछि उत्तम शिक्षा देइथिले। पिला बेलरे कूलगुरु वशिष्ठ रामचंद्र को प्रातः समय उठापी सर्वदा कहते जार सुचारू रूपे प्रभु रामचंद्र प्रातः कालू कूलगुरु वशिष्ठ सेवा कार्य प्रथम सेवा कार्य नियोजित हो जाते एवं परवर्ती मुहूर्त रे समस्त ज्ञान प्राप्त करुले। एभली चरित्ररु संस्कार एवं ज्ञान मर्यादा समस्त गुण परिलक्षित होता है जार परिणाम स्वयं रामचंद्र को मिली थिला। रामचंद्र रु तांको नामटी मर्यादा पुरुषोत्तम हेबार मुख्य कारण तांकर गुरुंकर मध्य एक अवदान थिला। तेणु ए इतिहास सदा सर्वदा कूलगुरु वशिष्ठ को मर्यादार सहकारे तांको पाद तले शत शत कोटी प्रणाम जनाउची। एवं आसंतु टिके गुरु द्रोण चरित्र उपरकू जिबा। प्रिय सज्जन मंडली गुरु द्रोण कहानी विषय तो मु कहली अल्प किछि एवं आसंतु यार परिणाम कौन होइतिला आमे टिके जानिबा। यार परिणाम होइतिला तांकर पुत्र अश्वत्थामा ना तो कोनोसी उत्तम संस्कार ना ज्ञान पाई परिथिले एवं तांकर महामहिम भीष्म को देइथिबा सेही अटल प्रतिज्ञा कारणरू एकलव्य को अंगुठी कटा जाइथिला एवं कर्ण को विताड़ित करा जाइथिला जार परिणाम महाभारत युद्ध रे अंतिम समय रे दुष्ट दुम्न द्वारा द्रोण मृत्यु घटीला। प्रिय सज्जन मंडली एही महाभारत टी केवल प्रभु श्रीकृष्ण एइथिपाई रचना करी जाइछंती जे आजिर समाज ए कलिजुगर समाज जदि ए महाभारत को फॉलो करी संपूर्ण शिक्षा अर्जन करिबा पाई से 18,000 श्लोकर रचना करी जाइछंती। प्रिय सज्जन मंडली जदि आपण माने एही श्रीमद् भागवत गीता ज्ञानटी जदि नियमित अध्ययन करिवे मु निश्चिंत ग्यारंटी देई कहिबी जे आपण ए सामाजिक चलनी रे ए संसार रे जहा चलुची वर्तमान चलनीय समस्त समस्यार समाधान निश्चिंत पाई परिबे ना। तो मु कोनोसी घड़ी डिटर्जेंट पाउडर हेची जे मु कहबी जे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ए भाई मु जहा कहे सत्य कहे आउ सत्य सर्वदा कठोर होता है आपण मो पाई मध्य। प्रिय सज्जन मंडली आज ये कहानीटी आमको कि शिक्षा मिली निश्चिंत। कौन से शिक्षा जे भीषण परिस्थिति मध्य शिष्य को उत्तम शिक्षा देवा एक गुरुर परम कर्तव्य होता है। से हीपरी एक उत्तम शिष्यर एक कर्तव्य रही। से कर्तव्यटी कौन ना काक स्नान बक ध्यान श्वान निद्रा अल्पहारी तथैवच गृहत्यागी। यही पांच गुण एक शिष्यर रहिबा निहाती आवश्यक। आजिर कहानीटी एतिकी एवं गुरु द्रोण एवं गुरु बशिष्ठों मध्यरे विश्लेषणटी किपरि लागिला मते मतामत देई जणाइबे। आपणकर सेवक आजिर कहानी विदाय नौची। रहिली जय जगन्नाथ।